यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और शिमला हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में स्टेट कोटे से भाग लेने की अब अनुमति दी है जिन्होंने कम से कम दो बोर्डों की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की बेंच ने इस मामले में सरकार और प्रदेश यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश पारित किए हैं। अदालत ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि विश्वविद्यालय इन अभ्यर्थियों के फॉर्म ऑफलाइन स्वीकार करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी द्वारा एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 12 जून को प्रोस्पेक्ट्स जारी किया गया था जिसके तहत वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से कम दो बोर्डों की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की है।